हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन एकेडमी। और एक बहुत अच्छी जॉब अपडेट है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ये जॉब अपडेट उन सभी इंजीनियर्स के लिए जिनका ड्रीम है कि वो एक पीएसयू में जॉब करे। तो अभी हिंदुस्तान एयरनॉटिकल लिमिटेड ने जॉब पोस्ट करी हुई है, तो मैं बता देता हूँ कि जो जॉब इन लोगों ने निकाली हुई है या फिर जो रिक्रूटमेंट ये लोग कर रहे हैं वो आ रहा है मैनेजमेंट ट्रेनी और डिजाइन ट्रेनी के लिए। तो अगर आपका ड्रीम है कि आप HAL में जॉब करें तो ये आपके लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि 2 अगस्त से ये जो है फॉर्म जो है इन लोगों के आ चुके हैं। तो HAL ने जो अभी वैकेंसी निकाली है, मैं उस वैकेंसी के बारे में आपको बता देता हूँ फटाफट कि अगर आप डिजाइन ट्रेनी के तौर पर जाना चाहते हैं HAL में, तो एक ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स में 18 वैकेंसी सिर्फ जनरल के लिए है, 18 वैकेंसी टोटल है, 44 टोटल वैकेंसी 44 है, 18 वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ जनरल कैंडिडेट के लिए, बाकी सब ये इन्होंने यहाँ पर मैट्रिक्स बना रखी है। एयरनॉटिकल में टोटल 9 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल में 12 है और मैकेनिकल में 30 वैकेंसीज है। तो आप देख सकते हैं कि ये डिजाइन ट्रेनिंग के लिए अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ निकाली हुई है। अगर आपका ड्रीम है कि भाई मैं HAL में जाऊँ, मैं HAL का जो मतलब जॉब है वो मैं करूँ या फिर PSU में जाऊँ, तो ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि इसमें गेट स्कोर की जरूरत नहीं है। कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं है कि गेट स्कोर वाले बच्चे ही जाएंगे इसमें, ये अपना सेपरेट टेस्ट करा रहे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ये टेस्ट देना चाहिए। फटाफट मैं आपको बता देता हूँ कि डिजाइन ट्रेनी के अलावा इन्होंने मैनेजमेंट ट्रेनी में भी निकाली हुई पोस्ट है। मैनेजमेंट ट्रेनी में अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ और सिर्फ 13 पोस्ट दी गई है, मैकेनिकल में 30 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल में 16 है और कंप्यूटर साइंस में 23 पोस्ट इन लोगों ने निकाली है। तो ये PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, एक बार आप पढ़ लीजिएगा फिल करने से पहले फॉर्म। तो एक अच्छी वैकेंसी निकली हुई है, 2 अगस्त से फॉर्म आ चुका है और 22 तक इनकी लास्ट डेट है। तो फटाफट मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि लास्ट डेट कब है और इसमें कौन कौन लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं वो बता देता हूँ, जिससे कि आपको एकदम क्लैरिफाई हो जाए कि सर ये फॉर्म कौन कौन लोग भर सकते हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो इनका जो टेंटेटिव शेड्यूल है वो ये था कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 2 अगस्त से चालू हो गया और 22 अगस्त को ये एंड हो जाएगा, और आपको 28 अगस्त तक आपका एडमिट कार्ड भी ये रिलीज कर देंगे, क्योंकि नेक्स्ट मंथ यानी सितंबर में इनका पेपर हो जाएगा। तो 9 से लेकर 11 सितंबर तक इनका पेपर हो जाएगा और 13th ऑफ सितंबर तक इनका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो रिजल्ट आ जाएगा अगले ही नेक्स्ट मंथ में, आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, पेपर भी हो जाएगा और इंटरव्यू भी शेड्यूल जो है वो सितंबर मंथ में ही शेड्यूल है, ठीक है। तो 18th ऑफ सितंबर को आपको इंटरव्यू की डिटेल मिल जाएगी, जबकि इंटरव्यू जो है वो 9 से लेकर 11 अक्टूबर तक आपका फिनिश हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये देखेंगे, अगर आप देखें तो पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है वो अगले अगस्त सितंबर और अक्टूबर तक 3 महीने में ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो फिनिश हो जाएगा, यानी कि अक्टूबर के लास्ट तक आपकी ज्वाइनिंग भी आ जाएगी। तो आप देखेंगे कि HAL का जो प्रोसेस है वो बहुत ही फास्ट रहता है। लास्ट ईयर भी इन्होंने ऐसे निकाला था तो उस समय भी इनका प्रोसेस पूरा फास्ट रहा था। तो आप बस तैयारी करते रहो और इस हिसाब से अपना फॉर्म भर दो, ताकि आने वाले 2 या 3 महीने में आपकी जो गवर्नमेंट जॉब लगने का चांस है वो बढ़ जाए। और अगर आपका अगले 3 महीने में जॉब लग जाती है, आप PSU में आप सक्सेसफुली प्लेस्ड हो जाते हो, तो आपका जो ड्रीम है ना PSU का वो भी आपका एकदम चेज हो जाएगा और आपको अच्छा लगेगा कि भाई ये मैंने जो मैंने सोचा था कि PSU में मैं जॉब करूंगा विदाउट गेट, तो वो मेरा एक ड्रीम जो है वो सक्सेसफुली चेज हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस फॉर्म को कौन लोग भर सकते हैं कौन नहीं। तो एक बार ये जरूर चेक कर लेना, क्योंकि ये फॉर्म हर किसी के लिए नहीं है। आप बिना गेट स्कोर वालों के लिए तो है, लेकिन हर बच्चा इस फॉर्म को नहीं भर सकता। क्यों नहीं भर सकता? क्योंकि अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए जाएंगे और आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 70% मार्क्स आपके BTech में होने चाहिए, ठीक है। 60% मार्क्स होने चाहिए SC ST के लिए, बाकी 70% मार्क्स होने चाहिए सर किसके लिए? जनरल कैटेगरी के लिए या EWS के लिए। इवन आप अगर डिजाइन ट्रेनिंग में भी जाएंगे तो 70% और 60% आपके मार्क्स होने ही चाहिए, इससे कम में आपको नहीं लिया जाएगा। तो पहले आप अपने दिमाग में ये रख लें कि आपके मार्क्स जो है वो 70% होने चाहिए। अगर 70% है तो डेफिनेटली आपको जो है इसमें इसका फॉर्म भरना चाहिए, और ये बहुत आसान इजी है और आराम से आप इस जॉब को आराम से निकाल सकते हो। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से इस फॉर्म को भरेंगे तो ये सारे लोग एलिजिबल हैं। अगर आपने BTech इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखा हो, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में कर रखा हो, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल में कर रखा हो, इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखा हो, अप्लाइड में कर रखा हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन में अगर आपने कर रखा है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। सेम इलेक्ट्रिकल के लिए अगर आप देखेंगे तो ये 3 ब्रांच इलेक्ट्रिकल में एप्लीकेबल है, मैकेनिकल में ये 3 ब्रांच एप्लीकेबल है और प्रोडक्शन में ये 4 ब्रांच एप्लीकेबल है। तो इनमें से अगर आप किसी भी ब्रांच में आते हैं तो आपको ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए, क्योंकि ऐसी वैकेंसी
बहुत कम निकलती है, लेकिन जब निकलती है तो एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड कराकर जाती है। तो आप इजीली इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जॉब का जो फीस है वो 500 रुपीज है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इनका जो सिलेबस है वो क्या है, कौन कौन लोग इसकी तैयारी कर रहे हो तो उनके दिमाग में एक सिलेबस रहना चाहिए कि इनका जो टेस्ट होगा वो क्या होगा, टेस्ट क्या रहेगा। तो यहां देखेंगे ये 2.5 आवर का एक टेस्ट होगा, ठीक है, 3 पार्ट में हमारा टेस्ट होगा और पूरा का पूरा MCQ होगा। पार्ट 1 में जो है 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के रहेंगे, उसके बाद पार्ट 2 में 40 क्वेश्चन इंग्लिश और रीजनिंग के, और अगर पार्ट 3 देखेंगे तो पार्ट 3 में 100 MCQ आपके जो डिसिप्लिन है इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या फिर कंप्यूटर साइंस उससे रहेंगे ये, और पूरा का पूरा पेपर जो है वो इंग्लिश में आएगा, ठीक है। ये तो टोटल अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो 100 आपको मिल गए, यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपको मिल गए जो है टेक के, 40 क्वेश्चन इंग्लिश रीजनिंग के और 20 क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस के, यानी कि 160 टोटल क्वेश्चन आपको मिल गए और टाइम रहेगा सर 2.5 आवर, ठीक है ये, तो 2.5 आवर्स आपका टाइम रहेगा, 160 टोटल क्वेश्चन आपको मिल जाए, ठीक है ये। तो इस तरीके से आप इनका सिलेबस भी आसान है, ऐसा नहीं है कि सिलेबस बहुत टफ है, आपको अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, कुछ भी अलग से तैयारी नहीं करनी है। रीजनिंग आपने गेट में पढ़ रखी है, इंग्लिश आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको जनरल अवेयरनेस देखना है। बाकी 100 क्वेश्चन आपके जो रहेंगे सर वो पूरे के पूरे क्या रहेंगे, जो भी आपका डिसिप्लिन है उससे रहेंगे। तो इजीली आप इस जॉब को चेज कर पाओगे आसानी से। तो ये ना एक ड्रीम जॉब है आप सभी की। अगर आप बाकी चाहते हैं कि आप कोर सेक्टर में जाकर जॉब करें, PSU में जॉब करें, तो थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो जितने भी बच्चे ऐसे जिनका एग्रीगेट 70% से ऊपर है जनरल कैटेगरी में, वो लोग जरूर इस फॉर्म को भरें। 500 रुपीज फीस है, कोई दिक्कत नहीं है, 500 बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपकी जॉब लग जाती है तो आपका जो ड्रीम है जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं वो आपका सक्सेसफुली चेज हो पाएगा, ठीक है। तो ऐसी और भी अपडेट जो होंगी मैं लाता रहूंगा, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू।